टावर ऑफ स्ट्रेंथ, डैफोडिल्स, अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8, यूनिट 9 बी, टावर ऑफ स्ट्रेंथ। बिफोर यू रीड दिस पोएम, प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस। हैव यू एवर फेस्ड एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ? हाउ डिड यू रिएक्ट एंड फेस इट? इन दिस पोएम द पोएट इनकरेजेस यू टू नेवर बी डिसअपॉइंटेड एंड स्केयर्ड। He advises you to turn your weaknesses into the tower of strength. Read and enjoy the poem. क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया है? आपने उस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दी और उसका कैसे सामना किया? इस कविता में कवि आपको प्रोत्साहित करता है कि निराशा और डरा हुआ नहीं महसूस करें। वो आपको आपकी कमजोरी को ताकत के मीनार में मोड़ने की सलाह देता है। कविता को पढ़ें और आनंद लें। लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड, थंडर एंड टॉर्नेडो विल ऑल कम इन योर लाइफ, बट डोंट लेट यू ट्रेम्बल। बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिंड एंड बी द पावर ऑफ स्ट्रेंथ। कवि कहता है कि बिजली, तूफान, कड़क और बवंडर सभी आपके जीवन में आएंगे, परंतु आप कांप मत जाएं, मजबूत और दृढ़ रहें और ताकत की मीनार बने। अपने आप को हर मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बना के रखें, दृढ़ रहें और ताकत की मीनार बने। एंड लिव द लाइफ यू ड्रीम एंड टर्न योर फियर्स इंटू फेथ एंड देन यू विल सी व्हेन यू कांट स्टॉप द वेव्स यू कैन एटलीस्ट लेट योर सेल्फ लर्न टू सर्व टू सर्वाइव। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि आप जिए अपनी उस जिंदगी को जिस जीवन का आप सपना देखते हैं, उस पर जिए, अपने डर को विश्वास में बदलें। फिर आप देखेंगे जब आप लहरों को रोक नहीं सकते, आप कम से कम उन लहरों पर अपने आप को सर्फ करना सीख लेंगे जीवित रहने के लिए। अगली पंक्ति देखते हैं। एंड डोंट लेट कोल्ड एंड बिटर विंड टू स्टॉप योर स्मूथ फ्लो From meeting an exciting adventure ahead, just be the tower of strength and shed all your insecurities and limitations of life. और ठंडी और ठिठुरती सर्द हवा आगे एक रोमांचक एवं साहसिक कार्य को करने हेतु आपके सहज प्रवाह को न रोक पाए। ताकत की मीनार बनो और अपनी सारी असुरक्षाओं और सीमाओं को समाप्त कर दो। कवि कहते हैं कि विपरीत हालात में भी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी, जबकि हालात एकदम विपरीत हों, वैसे में भी अपने आप को दृढ़ रहें। आप अपने ताकत की मीनार को ना रुक को छोड़ें और उन हालात में अपने आप को असफलताओं पर सफलता पाने की कोशिश करें। ताकत के चार मीनार को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक के रूप में पहचाना जा सकता है। ताकत केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए आप जिम में या एक्सरसाइज करने में या किसी वजन को उठा सकते हैं, इसके बारे में नहीं है। वो आपके द्वारा आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को जीतने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानसिक दृढ़ संकल्प को भी मजबूत करता है। आपका व्यक्तिगत चरित्र और सत्यनिष्ठा सभी चार स्तंभों का एक संयोजन है जो आपकी जीवन शैली की सभी संस्थाओं को मजबूती बनाए रखने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसी प्रकार अपनी बार बार की असफलताओं के बावजूद दृढ़ता रखने वाला व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है। वो बार बार कोशिश करता है और अंत में सफलता प्राप्त करता है। दृढ़ता वाला व्यक्ति वो होता है जिसके पास जबरदस्त आत्मविश्वास, अदम्य दृढ़ संकल्प
और कठिन परिश्रम के प्रति एक स्वाभाविक आग्रह और असंतुष्ट या असंतोष व्यक्त किए बिना अंतिम समय तक जारी रखने की ऊर्जा होती है। इसीलिए कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। परसिवरेंस, दृढ़ता। टोर्नाडो, बवंडर। लाइटनिंग, बिजली। कोल्ड एंड बीटर विंड, सर्द और ठिठुराती हुई हवा। सर्फ ऑन वेव्स, तरंगों पर सर्फ करना। थंडर, बिजली का कड़का। स्ट्रेंथ, ताकत।